हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, और इसमें मैंने कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस भी लिए हैं, तो इनसे डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको टैकल करना है एग्ज़ाम में, वो मैं सारा आपको बताऊँगा। तो इसलिए इस पूरे वीडियो क्लास को आप ध्यान से देखिए और सारी चीज़ें ध्यान से सुनिए, आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए, ये जो क्वेश्चन दिए हैं मैंने, ये अभी हाल ही में अगस्त महीने में जो SBI PO प्री का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसके ये क्वेश्चंस हैं और ये रियल क्वेश्चंस हैं। तो इसके थ्रू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि IBPS PO का जो एग्ज़ाम होगा अक्टूबर नवंबर में, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं प्री में। अब यहाँ पर देखिए, ये डायरेक्शंस दिए हुए हैं और यहाँ पर ये क्वेश्चन है और यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस दिया है और इस सेंटेंस में एक पर्टिकुलर पार्ट जो है ये बोल्ड में दिया है। अब इस पार्ट को आप रिप्लेस करना है इन पार्ट से। देखिए, रिप्लेस आपको तभी करना है यदि आपको लगता है कि ये फ्रेज जो दिया है यहाँ पर, ये गलत है ग्रामेटिकली या कॉन्टेक्चुअली, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट दो तरीके से गलत हो सकता है, एक तो ग्रामेटिकली यानी उसका जो सेंटेंस पैटर्न है वो गलत है, और एक कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसका सही मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इन दो तरीके से एक सेंटेंस को आप रिप्लेस कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट। तो यहां से यदि आप सेंटेंस पढ़ें, हिज ओवर बेयरिंग नेचर वॉज ऑफन अ कॉज ऑफ कंसर्न, काफी अच्छा ये सेंटेंस है, काफी कंफ्यूजिंग सेंटेंस है। कॉज ऑफ कंसर्न का मतलब होता है चिंता का विषय, ठीक है। कॉज मतलब रीजन, उस चीज का कारण है, कंसर्न का, किसी चीज की चिंता का कारण। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हिज ओवर बेयरिंग नेचर, ओवर बेयरिंग का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो जो बहुत डोमिनेटिंग है, जो बॉसी टाइप का है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओवर बेयरिंग। और ओवर बेयरिंग होने की वजह से वो थोड़ा सा अनप्रेजेंट है या उसके साथ लोग रहना पसंद नहीं करते, तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है। हिज ओवर बेयरिंग नेचर वॉज ऑफन अ कॉज ऑफ कंसर्न, पास्ट में सेंटेंस बोला जा रहा है कि उसका जो ओवर बेयरिंग नेचर था वो अक्सर एक चिंता का विषय बन जाता था, ठीक है। वॉज का मतलब है कि इसको पास्ट में बोला जा रहा है, और ऑफन मतलब अक्सर। देखिए, कॉज के साथ कौन सा प्रपोजिशन जुड़ता है, कॉज ऑफ कंसर्न सही है और कंसर्न सही है, ठीक है। तो इसमें हम जो सही जो फ्रेज होता है वो होता है कॉज, ठीक है, चिंता के लिए कारण, कॉज फॉर कंसर्न। इसके बाद ऑफ भी आता है, लेकिन वो एरियाज के साथ आता है, जैसे हम बोलते हैं एरियाज ऑफ कंसर्न, दीज आर द एरियाज ऑफ कंसर्न, मतलब ये ऐसे ऐसे विषय हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे ऐसे एरियाज हैं जिन पर आपको काम करने की जरूरत है। सो दीज आर द एरियाज ऑफ कंसर्न। तो एरिया यदि वर्ड आप लगाते हैं या एरियाज वर्ड लगाते हैं, तो उसके बाद आप ऑफ बोल सकते हैं, लेकिन कॉज फॉर कंसर्न यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ओवर बेयरिंग उसका जो नेचर था, उसके कारण लोगों को प्रॉब्लम होती थी, तो वो एक रीजन था लोगों की प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो यहां पर आपका जो सही फ्रेज होगा वो होगा कॉज फॉर कंसर्न। इस तरीके से इन सेंटेंसेस को करना होता है। सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं, द कमांडोज नीड टू फेमिलराइज देमसेल्फ विद द टोपोग्राफी एंड द डायनेमिक्स ऑफ वायलेंस इन द रीजन बिफोर दे कैन लॉन्च एन अटैक। कमांडोज के बारे में इसमें बात हो रही है, जो बैटल में कमांडोज होते हैं, और इसमें बोला जा रहा है कि सबसे पहले कमांडो को अपने आप को फैमिलराइज करना पड़ेगा किसी भी रीजन में, जहां पर वो अपना अटैक लॉन्च करना चाहते हैं, वहां की टोपोग्राफी उनको देखना होगी। अब यहां पर ये जरूरी नहीं है कि आपको ये जो सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग पता हो, टोपोग्राफी क्या होती है, डायनेमिक्स क्या होता है, वायलेंस क्या होता है, लॉन्च क्या होता है, ठीक है। यदि आपको इनके मीनिंग्स पता हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको इनके मीनिंग नहीं भी पता तो भी आप इस तरह के सेंटेंसेस को कर सकते हैं। तो इसलिए नए पैटर्न के क्वेश्चन से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नए पैटर्न के क्वेश्चन को आप आसानी से मास्टर कर सकते हैं यदि आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं, द कमांडोज नीड टू के बाद हम क्या लगाएंगे, टू के बाद हम क्या लगाते हैं, टू के बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फेमिलराइज जो है ये वर्ब है, ठीक है, फेमिलियरिटी जैसे नाउन है, फेमिलियरिटी, तो फेमिलराइज जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। अब कमांडो जो फेमिलराइज करेंगे वो अपने आप को किससे फेमिलराइज करेंगे, मतलब फेमिलराइज कराने का काम भी वही करेंगे और फेमिलराइज जो होगा वो भी वही होगा, यानी इसमें सब्जेक्ट
और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन है, तो इसलिए फैमिलियराइज के साथ देमसेल्व्स को लगाना, जो कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसका प्रयोग यहाँ पर सही है। और फैमिलियराइज और एक्वेंटेड ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हम विथ प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। फैमिलियराइज देमसेल्व विथ, अपने आप को परिचित कराना, अपने आप को परिचित किस चीज़ से कराना, टोपोग्राफी से। टोपोग्राफी यहाँ पर एक प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो हाल ही में जो सेंटेंस अभी पूछे जा रहे हैं बैंक पीओ एग्ज़ाम में, उसमें बेसिक ग्रामर और अप्लाइड ग्रामर का अच्छे तरीके से आपको ज्ञान होना ज़रूरी है, ठीक है। और इसके लिए आपको रीडिंग भी होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए यदि आप रेगुलर बेसिस पर रीडिंग करते हैं द हिंदू की या इंडियन एक्सप्रेस की, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ये रहेगा। टोपोग्राफी होता है किसी भी रीजन के जो जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, ये ज्योग्राफी का टर्म है, ठीक है। वहाँ पर एक्चुअली फिजिकल फीचर मतलब वहाँ पर जैसे आपका हिल्स कैसी हैं, वहाँ पर सड़कें कैसी हैं, वहाँ पर नदी नाले कैसे हैं, तो वहाँ के जो फिजिकल फीचर्स होते हैं और आर्टिफिशियल फीचर जो होते हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है किसी भी एरिया के, उसको हम बोलते हैं टोपोग्राफी। तो वहाँ की किसी भी एरिया में यदि आप कोई अटैक लॉन्च करते हैं, तो वहाँ के डायनेमिक्स और वहाँ के टोपोग्राफी की नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, ये इसमें बोला जा रहा है, ठीक है। तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और इसका आंसर होगा नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। ये ज़रूरी नहीं है कि बैंकिंग एग्ज़ाम में जितने सेंटेंस पूछे जा रहे हैं उनमें सब में कोई ना कोई गलती हो, और नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड वाले क्वेश्चन भी 30-40% तक आराम से पूछे जाते हैं। यानी 10 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें से नो एरर या नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड का ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। और बैंक पीओ एग्ज़ाम की यदि आप प्रोफेशनल तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप श्योर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा ई कोर्स नए पैटर्न पर पूरी तरीके से आधारित है, और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी उसमें एडमिशन चल रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट एडमिशन उसमें ले रहे हैं। इस ई कोर्स में मैं नए पैटर्न के हाई लेवल के सारे क्वेश्चंस, सारा इन डेप्थ ग्रामर, हिंदू के आर्टिकल्स, वोकेबलरी, ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में डेली बेसिस पे मैं उसमें कराता हूँ। तो इस कोर्स पे यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका डिटेल भी दिया है, इन नंबर्स पर मुझसे बात भी आप कर सकते हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं इसको, दे फाउंड इट नेसेसरी टू कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स एज पार्ट ऑफ द एंटी टेररिज्म प्रोग्राम। देखिए, सेंटेंस का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, और सेंटेंस का मीनिंग आपको समझ में तभी आएगा जब आप रेगुलर बेसिस पर रीडिंग करेंगे। तो इस सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है कि दे फाउंड इट नेसेसरी, उनको ये आवश्यक लगा, उनको ऐसा करना आवश्यक लगा। कैसा करना आवश्यक लगा? टू कंटिन्यूसली मॉनिटर, टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते टू के बाद, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर एक एडवर्ब इसमें इंसर्ट कर दिया गया है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन कंटिन्यूसली मॉनिटर बोलना ये सही है, ठीक है। टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, मॉनिटरिंग हम नहीं बोलेंगे। दे फाउंड इट नेसेसरी टू कंटिन्यूसली मॉनिटर, मॉनिटर मतलब उस चीज़ को ऑब्जर्व करना या सुपरवाइज करना, कंटिन्यूसली मॉनिटर। अब यहाँ पर कंटिन्यूसली मॉनिटर व्हाट, मॉनिटर तो करना था, उनको लगा कि ये चीज़ ज़रूरी है कि मॉनिटर किया जाए, लेकिन किस चीज़ को मॉनिटर किया जाए? तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस। कुछ ऐसे पॉइंट हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर वो कन्वर्ट होते हैं, इसका मीनिंग अभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस को उनको फाइंड आउट करना आवश्यक लगा। टेररिस्ट ग्रुप एज पार्ट ऑफ द एंटी टेररिज्म प्रोग्राम, जो एंटी टेररिज्म प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के दौरान उनको ये आवश्यक लगा, उनको ये नेसेसरी लगा कि एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना, कंटिन्यूसली सुपरवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि सही है। अब एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? देखिए, दो टर्म होते हैं, एक होता है कन्वर्जेंस और एक होता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस जैसे आपने देखा होगा, दो अलग अलग रोड्स होती हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में चली जाती हैं, ठीक है। एक रोड से निकल के अलग अलग डायरेक्शंस में चली जाती हैं, उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस का अपोजिट है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब है जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं। एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो कहाँ पर इकट्ठे होते हैं या कहाँ पर वो मिलते हैं, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, ये इसका मीनिंग है कि एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। तो जैसे
जैसे ये होता है, जैसे एक ये रोड है और यहाँ से रोड दो पार्ट में कट जाती है, यहाँ से ऐसे, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। और कन्वर्जेंस इसका उल्टा है, ठीक है। कन्वर्जेंस मतलब एक यहाँ से आया और एक यहाँ से आया और यहाँ पर आके एक मीटिंग पॉइंट बन गया, तो इसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंस, इसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर एरिया ऑफ कन्वर्जेंस की बात हो रही है। और ये सही है कि यदि आप टेररिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं तो टेररिस्ट जो ग्रुप हैं और उनके एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस जो हैं उनको आपको देखना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस को किस तरीके से आप रिप्लेस करेंगे, इस सेंटेंस में कंटिन्यूसली मॉनिटर आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यूसली मॉनिटर एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस, कंटिन्यूसली मॉनिटर, क्योंकि टू के बाद हम मॉनिटर लगाएंगे। कंटिन्यूसली सही है, एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस सही है, तो यहां पर आपका आंसर होगा सी। कंटिन्यूअली का क्या अर्थ होता है, कंटिन्यूअली का अर्थ होता है जैसे जैसे रेन होती है, इट वॉज रेनिंग कंटिन्यूअली। कंटिन्यूअली मतलब जैसे 15 मिनट रेन हुई फिर रुक गई, फिर 15 मिनट रेन हुई फिर रुक गई, ठीक है। रुक रुक के किसी चीज़ का कंटिन्यूअस होना, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअल। कंटिन्यूअस मतलब लगातार होना, ठीक है। कंटिन्यूअल मतलब रुक रुक के लगातार होना, तो कंटिन्यूअल तो यहाँ पर सेंसलेस है। और कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग, कंटिन्यूसली मॉनिटर वॉट, कंटिन्यूसली मॉनिटर एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस। तो यहाँ पर किसी प्रपोजिशन की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि मॉनिटर के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आएगा। मॉनिटर जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है और सीधा इसके साथ आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर आपका कंटिन्यूसली मॉनिटर एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस यानी सी जो है ये यहाँ पर आपका इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो जितने भी नए पैटर्न के क्वेश्चन इस समय बैंकिंग एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो बैंक SBI PO हो, IBPS PO हो, PGDFs के एग्ज़ाम्स हो, उन सभी को मैं YouTube पर सॉल्व करवाऊँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप प्रोफेशनल तरीके से स्टडी करना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से श्योर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारा ई कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से इस सेंटेंस को देखते हैं। द गवर्नमेंट वॉज एक्यूज ऑफ नॉट टेकिंग नेसेसरी मेजर्स टू कर्ब टेररिज्म सिंस सच टेररिस्ट ग्रुप कंटिन्यूइंग टू ऑपरेट विद फ्रीडम एंड इम्प्यूनिटी। देखिए इस तरह के जो सेंटेंस हैं, यदि किसी स्टूडेंट की इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, तो यदि वो इस तरह के सेंटेंसेस को करना चाहता है या बैंकिंग एग्जाम में निकलना चाहता है, तो उसके लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो है रीडिंग। रीडिंग मतलब इंडियन एक्सप्रेस की या हिंदू की रीडिंग, और उसको समझते हुए पढ़ना है, सारे मीनिंग्स को आपको कोशिश करनी है कि सारे मीनिंग्स आपको समझ में आएँ, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट वॉज एक्यूज्ड ऑफ नॉट टेकिंग नेसेसरी मेजर, गवर्नमेंट को एक्यूज किया गया। गवर्नमेंट वॉज अक्यूज्ड, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को अक्यूज किया गया, गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाया गया। किस चीज़ का आरोप लगाया गया उसके ऊपर, कि गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग नेसेसरी मेजर्स, मतलब गवर्नमेंट जो आवश्यक उपाय हैं वो नहीं कर रही है। किसके बारे में उपाय नहीं कर रही है, टू कर्ब टेररिज्म। कर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को काटना, घटाना, कम करना, डिस्करेज करना। टू कर्ब टेररिज्म, टेररिज्म को कम करने के लिए गवर्नमेंट नेसेसरी मेजर्स नहीं ले रही है, ठीक है। सिंस सच टेररिस्ट ग्रुप्स, ऐसा लोग बाग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं, सिंस का मतलब यहाँ पर बिकॉज है, बिकॉज टेररिस्ट ग्रुप्स कंटिन्यू टू ऑपरेट विद फ्रीडम एंड इम्प्यूनिटी, क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप जो हैं वो अभी भी फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ घूम रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं। तो फ्रीडम के साथ कोई व्यक्ति यदि घूम रहा है तो आप क्या प्रपोजिशन इसके साथ लगाएंगे, ही इज ऑपरेटिंग विद फ्रीडम लगाएंगे या ही इज ऑपरेटिंग फ्रॉम या फॉर फ्रीडम लगाएंगे। तो कॉमन सेंस कहता है कि हम लगाएंगे यहाँ पर विद, ऑपरेट विद फ्रीडम, ठीक है, ऑपरेट विद इन फ्रीडम। देखिए यहाँ पर आपका प्रपोजिशन चेक हो रहा है कि प्रपोजिशन की कितनी नॉलेज है आपको। ऑपरेट विद इन फ्रीडम का कोई सेंस नहीं है क्योंकि विद इन तो हम किसी ग्रुप के अंदर यदि कोई व्यक्ति ऑपरेट कर रहा है तो उसके लिए हम बोलेंगे विद इन, ठीक है। वो तो फ्रीडम के साथ ऑपरेट कर रहा है, मतलब स्वतंत्रता के साथ, उनके ऊपर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। तो ऑपरेट विद फ्रीडम जो होगा वो सही आंसर इसमें होगा, क्योंकि ऑपरेट फ्रीडम के साथ केवल विद वर्ड ही जाएगा, फ्रीडम के साथ फॉर और अंडर वर्ड नहीं जा सकते। तो यदि आपको यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रपोजिशन की अच्छी नॉलेज है जो कि रीडिंग से आ सकती है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस को करना बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर यदि आपको इम्प्यूनिटी का मतलब नहीं पता तो भी इस सेंटेंस को आप सही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर
एक वर्ड जो जुड़ा है एंड से जुड़ा है, और यहाँ पर जो जो वर्ड जुड़ेगा ये फ्रीडम के इक्विवेलेंट ही होगा, यानी इम्प्यूनिटी का जो मीनिंग निकलेगा वो फ्रीडम के इक्विवेलेंट ही होगा। ठीक है, तो इम्प्यूनिटी का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी पनिशमेंट से एग्जेम्प्ट कर देना, छोड़ देना उसको, और फ्रीडम का मतलब भी वही है। तो इन सारे सेंसेस को देखते हुए यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे आपने यहाँ पर देखा, मैंने आपको बताया कि फ्रीडम के साथ यहाँ पर विद आएगा, ठीक है, और आप यदि श्योर हैं कि यहाँ पर यही आएगा, विद ही आएगा, तो यहाँ पर फिर जो अलग अलग जो टेंसेज दिए हैं इनकी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई सेंटेंस यदि यहाँ पर सही है तो वो टेंस वाइज भी अपने आप ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल लॉजिकल अप्रोच आपको अपनाना है, और लॉजिकल और स्मार्ट स्टडी आप करते हैं तो बैंकिंग एग्ज़ाम को निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, प्री को मेंस को आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है, नॉट विद स्टैंडिंग द इंसेसेंट डाउनपोर ऑफ शेल फायर एंड बुलेट्स दे चार्ज्ड ऑन एंड टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। क्या मतलब है इस सेंटेंस का? देखिए, इंसेसेंट का मतलब क्या होता है? इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार, डाउनपोर का मतलब होता है बारिश होना। किस चीज़ की बारिश होना? शेल फायर की और बुलेट की, गोलियों की बारिश होना। गोलियों की बारिश कहाँ पर होती है? गोलियों की बारिश होती है युद्ध में या बैटल में, तो किसी बैटल फील्ड की इसमें बात चल रही है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इसके बावजूद, नॉट विद स्टैंडिंग द इंसेसेंट डाउनपोर ऑफ शेल फायर एंड बुलेट्स दे चार्ज ऑन एंड टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। इस सिचुएशन के बावजूद, चूंकि वहां पर बहुत लगातार गोलीबारी हो रही थी, उसके बावजूद भी उन्होंने चार्ज लिया सिचुएशन का और सिचुएशन को कंट्रोल में करने की कोशिश की। ये किसी बैटल फील्ड की बात हो रही है। तो इंसेसेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है। इंसेसेंट मतलब लगातार, डाउनपोर मतलब नाउन, ये नाउन है यहां पर, इसका मतलब है बारिश। ठीक है, बारिश जो थी वो कैसी थी? इंसेसेंट थी, यानी इंसेसेंट जो है यहां पर एडजेक्टिव है और डाउनपोर जो है यहां पर नाउन है। ठीक है, नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव करता है, तो एडजेक्टिव और नाउन का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, तो इस सेंटेंस का आपका आंसर क्या होगा? नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये सेंटेंस ऑलरेडी सही है। देखिए, ये कॉलम वाले सेंटेंस हैं, और इस बार SBI PO प्री में इस तरह के सेंटेंस पूछे गए हैं, और आगामी बैंकिंग एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको इन क्वेश्चन से डरना नहीं है, ये बहुत सिंपल होते हैं, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। कॉलम ए में 3 सेंटेंस दिए हैं और कॉलम बी में 3 सेंटेंस दिए हैं। इन तीनों ही सेंटेंस के कॉम्बिनेशन आपको बनाना है कि एक सेंटेंस, सपोज आपने फर्स्ट सेंटेंस लिया, तो क्या वो इन तीनों में से किसी से कंबाइन हो सकता है, या ये जो सेंटेंस है इन तीनों में से किसी से कंबाइन हो सकता है, या ये जो सेंटेंस है क्या इन तीनों में से किसी से कंबाइन हो सकता है? यदि कंबाइन हो सकता है तो वो आपका पेयर बन जाएगा और वही आपका आंसर होगा। लेकिन वो आंसर इसमें होना चाहिए, इन ऑप्शंस में भी आपका आंसर होना चाहिए। यदि ऑप्शंस में नहीं है फिर आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज, यानी आपका कॉम्बिनेशन सही बन रहा है और ग्रामेटिकली सेंटेंस सही है, कंटेक्चुअली भी सेंटेंस सही है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर फिर ऑटोमेटिकली नन ऑफ दीज हो जाएगा। अब पढ़ते हैं इसको और सॉल्व हैं। दोज हु लिव ए हाई स्ट्रेस लाइफ स्टाइल, वे लोग जो हाई स्ट्रेस लाइफ स्टाइल जीते हैं, जैसे जहाँ पर काफ़ी प्रेशर होता है, जॉब प्रेशर काफ़ी होता है, जैसे बैंक पीओ के जॉब में काफ़ी प्रेशर होता है, जो लोग इस तरह की लाइफ जीते हैं उनको उनको क्या करना चाहिए? उनको शुड इंडल्ज वंस इन ए वाइल, उनको इंडल्ज करना चाहिए कभी कभार। वंस इन ए वाइल का मतलब है कभी कभार, इंडल्ज का मतलब है किसी चीज़ के मज़े लूटना, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना। ठीक है, तो दे शुड इंडल्ज, those who live a high stress lifestyle should indulge, but they should indulge in what? उनको किस चीज में इन्वॉल्व होना चाहिए? उनको वैकेशनल एक्टिविटीज में, रिलैक्सेशन एक्टिविटीज में इंडल्ज होना चाहिए, लगना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ तो यहाँ पर मिसिंग है, इंडल्ज इन वॉट? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर यह सेंटेंस नहीं बनेगा। इंडल्ज का अर्थ पेम्पर करना भी होता है, अपने आप को पेम्पर करना, अपने आप को लाड़ प्यार करना। तो इंडल्ज अगर उस सेंस में ये यूज़ हो रहा है तो फिर इंडल्ज देमसेल्फ यहाँ पर आना चाहिए। दोज हु लिव ए हाई स्ट्रेस लाइफ स्टाइल शुड इंडल्ज देमसेल्फ वंस इन ए वाइल। तो उस तरीके से ये सेंटेंस यहाँ पर थोड़ा सा मीनिंगफुल नहीं है। ए और एफ़,
ए और एफ का इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। दूसरा देखते हैं, हिज ओवरबेयरिंग नेचर इज ऑफन, इसको हम यहां से जोड़ सकते हैं, व्हाट मेक्स पीपल हैप्पी। किसी भी सेंटेंस को आप किसी भी सेंटेंस के साथ जोड़ के एक पेयर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको आप थर्ड से ही जोड़ेंगे। कोई भी सेंटेंस, तीनों के कॉम्बिनेशन में से किसी भी सेंटेंस को किसी भी एक सेंटेंस से आप जोड़ सकते हैं। अब ओवरबेयरिंग नेचर क्या होता है? ओवरबेयरिंग नेचर जो होता है बॉसी टाइप का नेचर होता है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, और इस तरह के नेचर को नॉर्मली पसंद नहीं किया जाता। हिज ओवरबेयरिंग नेचर इज ऑफन व्हाट मेक्स पीपल हैप्पी। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है, यहाँ से इन दोनों का सेंटेंस जो है, ये ग्रामेटिकली तो सेंटेंस सही है, लेकिन इसका मीनिंग कोई नहीं निकल रहा, क्योंकि ओवरबेयरिंग नेचर की वजह से लोग आपसे खुश नहीं होंगे। हिज ओवरबेयरिंग नेचर इज ऑफन व्हाट मेक्स पीपल हैप्पी, यानी बी और डी का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, और बी और डी इसमें भी नहीं दिया है। अब इसको देखते हैं, शी रिडिक्यूल्ड व्हेन शी स्पोक हर माइंड, उसकी हंसी उड़ाई गई, उसका मजाक उड़ाया गया। कब उसका मजाक उड़ाया गया? जब उसने अपने दिल की बात, अपने मन की बात को साफ साफ तरीके से बोल दिया। शी वॉज रिडिक्यूल्ड व्हेन शी स्पोक हर माइंड। स्पीक हर माइंड का मतलब होता है कि अपने मन की बात, अपने दिल की बात साफ साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोल देना। ठीक है, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली भी सही है और कॉन्टेक्चुअली भी सही है, यानी सी और ई का इसमें एक कॉम्बिनेशन बन रहा है जो कि सही है। तो इसमें आपका आंसर होगा सी ई, यानी बी इसमें आपका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है, और ये क्वेश्चंस कोई कठिन क्वेश्चंस नहीं होते। देखिए इसको हम करते हैं, ही गॉट फायर्ड ओनली आफ्टर ए वीक, इसको हम इससे जोड़ देते हैं, एज दे फाउंड आउट दैट ही वॉज कटिंग कॉर्नर्स। फायर्ड का मतलब है कि उसको कुछ दिनों बाद नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि उन लोगों को लगा, कंपनी को लगा कि ही वॉज कटिंग कॉर्नर। कटिंग कॉर्नर का मतलब होता है चीज़ों को बहुत चीप तरीके से करना, जल्दी जल्दी करना, फास्टेस्ट तरीके से करना, ताकि आपका टाइम बचे और पैसा बचे। ठीक है, कटिंग कॉर्नर का एक नेगेटिव सेंस भी होता है कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेना, जल्दी जल्दी किसी काम को करना। तो यहाँ पर ए और एफ का सेंस तो बन रहा है, ए और एफ का सेंस बन रहा है, लेकिन ए और एफ का कॉम्बिनेशन जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें, ही वर ऑल ब्लैक बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी इनकन्स्पिकुअस, उसने सारे कपड़े काले पहने हुए थे क्योंकि वो इनकन्स्पिकुअस होना चाहता था। इनकन्स्पिकुअस जिसको आप नोटिस नहीं कर सकते। तो यदि आप रात में काले कपड़े पहनते हैं तो हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि आप इनकन्स्पिकुअस रहें और आपको कोई नोटिस नहीं कर पाए, पर्टिकुलरली नाइट में। ठीक है, तो मीनिंगफुली यह सेंटेंस बन सकता है बी और ई, बी और ई का इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, ऑल्दो शी हैड हर्ड रूमर्स गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट, यहाँ पर सी है और यहाँ पर हिम है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। सी और डी, सी और डी का ऑप्शन भी इसमें नहीं है, इसका आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, इसको देखते हैं, एज द ड्यू डेट अप्रोच्ड ही फेल्ट दैट ही हैड बिटन ऑफ मोर देन ही कुड च्यू, काफी सारे इडियम्स और फ्रेजेस इसमें यूज हुए हैं। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, इसका मतलब होता है कि इतना काम अपने हाथ में ले लेना जितना आप संभाल नहीं सकते। बाइट ऑफ मोर देन च्यू का मतलब होता है उतना काम अपने हाथ में ले लेना जितना आप संभाल नहीं सकते। तो ए और ई देखिए, इसमें ही हेड भी दिया है और यहाँ पर भी ही हेड दिया है, तो इसका सेंस नहीं बनेगा। अब इसको जोड़ते हैं, शी नेवर स्पेंट अलाउंस, अलाउंस का मतलब होता है जो पैसा आपको मिलता है जब आप कंपनी में काम करते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलता है उसको हम बोलते हैं अलाउंस। शी नेवर स्पेंट अलाउंस, यहाँ पर चूंकि शी दिया है तो इसको इससे हम जोड़ सकते हैं, एज शी वॉज सेविंग फॉर ए रेनी डे, उसने अपना अलाउंस कभी भी ख़त्म नहीं किया क्योंकि वो बचत कर रही थी किसके लिए, रेनी डे के लिए। रेनी डे मतलब मुश्किल समय के लिए, ये भी एक फ्रेज है यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें आपको आएंगी रीडिंग से, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप रीडिंग करें न्यूज़पेपर की, और मन लगा के रीडिंग करें और सारे सेंटेंसेस का मतलब निकालने की कोशिश करें। और बैंकिंग एग्ज़ाम का यदि आप सीरियसली तैयारी करते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आप सेलेक्ट नहीं हो पाएँ। तो यहाँ पर बी और एफ का पूरी तरीके से एक सही कॉम्बिनेशन बन रहा है, बी और एफ, और बी और एफ इसमें दिया भी है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये बी और एफ इसका आंसर होगा। इसको हम पढ़ते हैं, एनोमैलस रीडिंग वर नोटेड, अनफॉर्चुनेटली इट वॉज रेनिंग। इस सेंटेंस का, इस सेंटेंस से कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, ग्रामेटिकली भी और मीनिंग वाइज भी। एनोमैलस का अर्थ होता है जो थोड़ा सा अलग हटके है, जो इरेगुलर है, एटिपिकल है, नॉन स्टैंडर्ड है, उसको हम बोलते हैं एनोमैलस। इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी, बी और एफ, बी और एफ का जो है वो सही कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, तो इसमें मैंने 7-8 सेंटेंस लिए हैं इस वीडियो क्लास में। तो सबसे पहले आप इसका फीडबैक दीजिए कि आपको कैसे लगे ये वीडियो क्लास। ये कुछ हाई पैटर्न के क्वेश्चन हैं, हाई लेवल न्यू पैटर्न के क्वेश्चन हैं, और इस तरह के क्वेश्चन मैं आगे भी अपलोड करता रहूँगा इस चैनल पर। और इस चैनल पर यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल को। इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर दें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो क्लास, और क्या इस तरह के क्वेश्चंस आप रेगुलर बेसिस पर देखना चाहेंगे। यदि आप हमारा ई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बैंकिंग एग्जाम में निश्चित सफलता के लिए, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके रिगार्डिंग मुझे नंबर्स पर आप बात भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।